बांट के चला जाऊंगा। बांट के चले जाओगे? किसको दे दोगे? फ्री में किसी को भी दे दूंगा। सही में? अरे भाई, कैंडी कितने का है? एक 20 रुपीज का। तो आप कैंडी बेचते हो यहाँ पे? तो बेच क्यों नहीं रहे हो फिर? बिकनी रही तो इसलिए बैठे हो? फिर मुझे भी बैठा लो यार, मैं भी मतलब मेरा भी कोई काम नहीं हो रहा यार। तुम भी हो वैसे ही, मैं भी वैसे ही, मेरा भी कोई काम नहीं हो रहा है। क्या करते हो आप? कैंडी बेचते हो। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? अंकित। एक कैंडी कितने की है? 20। मुझे कितने में दोगे? 20 रुपीज में दोगे? थोड़े कम नहीं लगा दोगे मेरे लिए? 15 में दे दोगे? अच्छा ये बताओ अंकित, तुम्हारा घर कहाँ है? घर? हाँ, फरीदाबाद। फरीदाबाद में? तो फरीदाबाद से इतना दूर आके कैंडी बेचने आए हो, बेच नहीं रहे हो और तुम बैठे हुए हो, काम कैसे चलेगा? तो बेचना चाहिए आप। बारिश हो रहा है इस वजह से? ये बताओ घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, बहन भाई भी है। भाई भी है? बड़ा है या छोटा? छोटा है। भाई और बहन? बहन दोनों छोटे, मतलब सबसे बड़े आप ही हो? मतलब एक बहन है और भी भाई है कि नहीं है? दो बहन है, एक भाई। अच्छा दो बहन है और एक भाई है। ओके, तो ये बताओ आप, तो आप ये कैंडी बेच रहे हो, आपको कभी मन नहीं होता कि आप पढ़ाई लिखाई करने जाओ? देखो मेरा तो बस ऐसे, पहले पढ़ते थे आप? कितना, कौन से क्लास में पढ़ते थे? कब छोड़ा आपने पढ़ाई और क्यों छोड़ा? छठी क्लास से छोड़ दिया। और अभी कितने साल के हो? अभी हाँ मैं 15 साल। 15 साल का छोड़े क्यों पढ़ाई? घर में जब मजबूरी होती है ना तो अभी छोड़नी पड़ती है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? देखो आपके मम्मी हैं, पापा है, फिर मजबूरी कैसी? पापा दारू पीते ना इसलिए। पापा दारू पीते? तो आप मना नहीं करते हो कि मत पिए? वो उन्हें कहते तब भी पीते। लड़ाई झगड़ा भी करते हैं आपसे? तो आपको बोलना चाहिए ना, उनको मना करना चाहिए, आपको मतलब उनको डांटना चाहिए पापा को। आपको नहीं लगता है कि आपको करना चाहिए कि वो दारू पीते हैं तो आप मेहनत करना चाहिए? क्या 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 वो हो गया ना? क्या हो गया? जैसे क्या क्या के मना कर करके तंग हो गए थे इसलिए मना करके तंग हो गए। तो छोड़ देते हैं उनको, पीने देते दारू की, जाओ आप पियो, आप तो अपना पढ़ाई कर। वो तो पीते, फिर मम्मी कहाँ से कहाँ तक करेगी? मम्मी कहाँ तक करेगी? तो मम्मी का आप हेल्प करते हो। आपकी छोटी बहन क्या करती है? वो घर पे रहते हैं, घर पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हैं? तो उनको कौन पढ़ाता है? घर पे वो ट्यूशन पढ़ते हैं ना। ट्यूशन पढ़ते हैं तो पैसे तो आप ही देते होगे ना कमा के जब ये बेच के जाते हो। आपने ये कैंडी खाई है? हाँ खाई है। अच्छा ऐसा हुआ है कि जब कैंडी बेचते हो बच जाता है तो फिर खुद खाते हो? क्यों? खाता नहीं ना मैं। क्यों नहीं खाते हो, वही तो पूछ रही हूँ। बेचता तो बिक जाती है तो खा लेते, कोई दे देता है तो खा लेते हो, नहीं तो ऐसे। मतलब कोई दे देता है तो खा लेते हो? एक काम करो फिर, एक कैंडी खोलो और अभी मेरे साथ खाओ। खाओ खाओ, मैं बोल रही हूँ खाओ, मैं पकड़ लेती हूँ कैंडी, खाओ। मन तो होता होगा ना कभी कभी कि कभी एक दो खा लूँ? नहीं खाता रहता तो जहाँ बनती है ना वहाँ तक खा लो। अभी खा लो एक, खाओ खाओ, मैं खिलाती हूँ ना। लो लो लो। सुबह से क्या क्या खाया हो वो बताओ मुझे। बहुत कुछ खा लिया है। क्या रोटी सब्जी भी खा ली और क्या क्या खा लिया? अच्छा ये कितने की कैंडी है जो आपकी बिक नहीं रही है और सारा बेचना है आपको ये? हाँ वैसे तो ये पूरी 300 रुपए की है। 300 रुपए की है? और ठीक है, अगर ये कैंडी ये पूरे 300 की है, ठीक है, आपको अगर 300 रुपए मिल जाए तो आज आप घर चले जाओगे? ये कल बेच लोगे? हाँ चले जाओगे? पक्का चले जाओगे? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सही में चले जाओगे? तो एक काम करो ना, आज तुम रेस्ट कर लो। अगर अभी घर चले जाओगे, देखो अभी 3 बज रहे हैं, अगर 3 बजे तुम घर चले जाओगे तो करोगे क्या? मैं तो ये सब बांट के चला जाऊंगा। बांट के चले जाओगे? किसको दे दोगे? फ्री में किसी को भी दे दूंगा। सही में? ऐसा करो ना, तुम 300 रुपए रखो और ये कल बेच लेना, फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। मतलब बांटोगे क्यों? क्या बोलते हैं, हाँ जैसे फ्री का पैसा जो कोई दे देता है ना, हाँ हाँ, तो उसे रखना नीचे से कहीं बांट दो। ये किसने बताया आपको? क्योंकि बचता नहीं है ना फ्री का पैसा। फ्री का पैसा नहीं बचता है? किसने बोला ये बात आपको?
आप बचाओ, बचेगा क्यों नहीं बचेगा, आप उस पैसे को 300 रुपये रखो, फिर नेक्स्ट डे आपका 300 रुपये बचेगा, ऐसे बचा बचा के देखो फ्री का पैसे कैसे हुआ भाई, अब तुम मेहनत करते हो। देखो अब सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, सोच तो बहुत अच्छा रहे हो तुम, बट ना अगर कोई आपका हेल्प कर दे, लाइक मैं हेल्प करूँ, कोई भी आपको फ्री में अगर हेल्प करे तो हेल्प लेना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि हाँ फ्री में पैसा आ गया तो आप उसे बांट दो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसे भी तो लेना चाहिए ना फिर कैंडी फ्री में पैसे। अब कैंडी बताओ वो चाहता है कि तुम्हारी हेल्प करे यार, कोई तो किसी का हेल्प नहीं करता, अगर वो चाहता है तुम्हारी हेल्प करे तो इसमें बुराई क्या है बताओ आप, कोई बुराई है नहीं है ना, आप सोच रहे हो अच्छी बात है, छोटी उम्र है आप फिर भी इतना सोच रहे हो, बट आपको ना ऐसा करना चाहिए, लाइक अगर आपका कोई हेल्प करे, मैं आप अगर हेल्प करूँ आप ये बांट के चले जाओगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, आप ये कल बेच लेना तो फिर आपको पैसे मिल जाएगा, समझ रहे हो आप पक्का, तो आप घर चले जाओगे अभी, तो ये 300 की कैंडी है ना आपकी, ये पकड़ो आप, ये 300 की जगह आप 400 पकड़ो, 400 है पकड़ो, ये कैंडी भी रखो और कैंडी भी आप कल बेच लेना अपना, तो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे ना आपके पास ज़्यादा, तो अब फ़ायदा किसका हुआ, आपका होगा, आप अपनी बहन को पैसे दे पाओगे फीस के लिए, दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, तो अभी घर जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो चलो घर तक चलो, मैं थोड़ी दूर तक तो तुम्हें छोड़ूंगी, जब कोई दे ना आपका हेल्प करे तो हेल्प लेना चाहिए उसको ना, वो नहीं कर देना चाहिए, बेकार नहीं कर देना चाहिए, ठीक है।